महाभारत ग्रंथ की अनुक्रमणिका। उग्र शिवाजी कहती है, ये भारत एक वृक्ष है। इसके स्वाद पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं। धर्म और मोक्ष उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से तीन अग्नियों के समान तेजस्वी तीन कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीन पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करती थी। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भले भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्य कर्म मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत अर्थात महाभारत जानना चाहिए। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृतांतों के अनुक्रमण का सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदनंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसकी 30,00,000 श्लोक देवलोक में समाहरित हो रही है, पृथ्वीलोक में 15,00,000 तथा गंधर्व लोक में 14,00,000 श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित है। देव ऋषि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। शुकदेव जी ने गंधर्व यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवर, वही 1,00,000 श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कंद शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं। युधिष्ठर धर्म में विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन स्कंद भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल अर्थात जड़ हैं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करती थी। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये संकट होते हुए भी युधिष्ठर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वक श्राप होने पर भी संतान होने का कारण ये था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए
दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडवों की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं हैं, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वे तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की ये सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी। ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब सुगंध छा गई तथा शंख और दुदुम्बियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई थी। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर के अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वो महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वही निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय गए और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महान युधिष्ठिर के राजस्वे नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीत और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदी राज शिशुपाल को मरवा कर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नरपतियों के यहाँ से मणि, स्वर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती
वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वे बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मैं दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसके रूप रेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम अर्थात जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय द्यूत आदि को देख कर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण ये था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का सहार चाहती थी। अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत हो गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़ी रही। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और ये जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करती थी और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूँ, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वो सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडव पुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वे युद्ध के लिए उत्साह न दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हत्याने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण द्यूत खेलने का ही निश्चय किया। संजय इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सबका विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूँ, तुम सुनो। संजय जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना
कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहती थी और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य वेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंघ को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई थी। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरे विजय की कोई आशा नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि दुखता द्रौपदी रजस्वल अवस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीरपतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वो उसका पार ना पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की कोई आशा ना रही। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरे विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देव देव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणित हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षि गण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष के विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या विधि पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरे युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर काल के तथा पौलव नाम के असुरों को जिन्हें बड़े बड़े देवता भी जीत नहीं सकते थे अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गई थी और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आई है, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि पांडु नंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमश जी के मुख से ही उन्होंने ये भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अविष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई
उस देश में जाकर जहाँ मनुष्यों की गत नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कराए। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथों बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। सुत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठर से मिले और युधिष्ठर ने उनके द्वारा किए गए गुण प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता न लगा सके। जब मैंने ये बात सुनी, मुझे ये निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए गए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा ही नहीं रह गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी शेष महारथियों को जो गौ हरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा ना रही। जिस दिन मैंने ये बात सुनी कि मत्सराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ में अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया। संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था। संजय, युधिष्ठर जुए में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। वामन अवतार के समय ये संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई। ऐसा बताया जाता है वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब ये बात मैंने सुनी, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा ना रही। जब देवऋषि नारद के मुख से मैंने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा न रही। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने ये सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्त वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भरद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा न रही। जब कर्ण ने भीष्म से ये बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं वो सेना को छोड़कर हट गया। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा न रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित
मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रही थी और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन करा दिया। तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विजय की आशा ना रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसके ओट से सर्वथा अजय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छद्मविच्छिन्न शरीर हो शरशय्या पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशय्या पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही थी जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संक्षिप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भरद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची तभी मेरे विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक ना सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब ये बात मुझ तक पहुंची तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूल पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी उसने वे शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने ये बात सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव में भी अर्जुन ने अकेले ही सभी योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय ये बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि विष्णु वंशावंतस योद्धान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे
परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक छुबाकर ही उसे छोड़ दिया तथा भीम से मृत्यु के मुख से बच निकले। संजय तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया। संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वा कर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय ये बात मैंने सुनी उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र आदि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठी थी और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय तब मुझे जीत की आशा न रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग किया परंतु उससे वो पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई। संजय वो भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को प्रथा पुत्र अर्जुन ने मार डाला तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं तभी से मुझे विजय की आशा न रही। संजय जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मदराज शल्य को मार डाला जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडु नंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वो थक गया तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। संजय जब मैंने ये संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैंतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांग में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विवस्त और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। संजय जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोध पूर्वक सीख के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया
जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए। तभी मेरे मन में विजय की आशा ना रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने सस्ती सस्ती कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणि रत्न भी देना पड़ा, संजय उसी समय मुझे जीत की आशा न रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है, श्री कृष्ण द्वापर व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे श्रापों से अभिशप्त कर दिया है, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 क्षणिक सेनाएं नष्ट हो गई। सारथी, ये सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन विवल सा हो रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का ये परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। उग्र शिवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनता पूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाक के समान लंबे सांसें ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने ये सार गर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देव ऋषि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नरपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी शैव्य, विजय वीरों में श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र, रंती देव, काक्षीवान, औषिज, वाहिक, गमन, चैद्य, शर्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत, मन, इच्छाकु, गए, भरत, दर्शत नंदन श्री राम, शशविंदु, भगीरथ, महाभागशाली कृत वीर, जनमेजय और वे शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राजभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों अर्थात खम्भों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज शैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्यवीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा गए हैं, जैसे पुर, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगण, अणु, युवनाश, काकुत्स, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, वृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिधु, द्रुम, दम्भोद्भव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप देवा व्रद, देवाय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, वृद्रत, महान उत्साही और महाविनय सुकृतु, निषदराज नल, सत्यव्रत, शांतभव, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनरण्य,
अर्क प्रिय भ्रक्त शुचि व्रत बल बंधु निरामर्द केतु श्रंग बृहदल दृष्ट केतु भ्रत केतु दीप्त केतु निरामय अविक्षित चपल धूर्त कृत बंधु दृढ़ शुद्धि महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग परहा और श्रुति ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है और इसके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है जिनके दिव्य कर्म पराक्रम त्याग महात्म्य आस्तिकता सत्य पवित्रता दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा क्रोध से जले भुने लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थी उनके मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए आपने गुरुजनों से सच शास्त्रों का श्रवण किया है आपकी धारणा शक्ति तीव्र है आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं भरतवंश शिरोमणि जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होती महाराज आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वे आपको विदित ही है इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए होनहार ही ऐसी थी इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपने बुद्धि के विशेषता से होनहार मिटा सके अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है यह विधाता का विधान है इसको कोई टाल नहीं सकता जन्म मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का सहार करता है फिर प्रजा का सहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है संपूर्ण लोकों में ये काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है काल ही संपूर्ण प्रजा का सहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है जब सुषुप्त अवस्था में सब इंद्रियों और मनोवृत्तियों का लीन हो जाता है तब भी ये काल जागता रहता है काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान है वे सब काल की रचना है ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए उग्र शिवाजी कहते हैं सूतवंशी संजय ने ये सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया।